पुनहरा उपमंडल के गांवों में दुकानों पर बेचे जा रहे नशीले पदार्थ, कोरेक्स की शीशियां, युवाओं में पड़ रही है नशे की आदत, प्रशासन बेखबर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज सेवी यूसुफ भिगोद ने बताया कि मेडिकल व परचून की दुकानों पर लगातार नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जिससे युवाओं में नशे की आदत बढ़ती जा रही है। नशे की आदत में युवा अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं, जैसे चोरी, डकैती वे अन्य वारदातों को अंजाम देते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नशीले पदार्थ पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। रोड के सहारे इतनी ज़्यादा नशे की शीशियाँ पड़ी रहती हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुनहरा क्षेत्र में नशे का कारोबार कितना ज़्यादा है। पूरे बाजार के अंदर 50 गांजा वगैरह जो अवैध जो नशे का कारोबार चल रहा है वह पूरी तरह से फैल रहा है, जिसके कारण लूटपाटों को, वारदातों को, इनको जो इसका आदि है वो इसको करने पर मजबूर है, इन चीज़ों को करने पर मजबूर है। वो कर रहे हैं, उनके लिए जरूर चाहिए नशे का। तो इसका तो ये बढ़ावा हमें दिख रहा है, जो लूटपाट पुलिस का जिम्मेदार चाहिए थे प्रशासन, क्योंकि इतने दिन में भी इन लोगों का खात्मा नहीं करा गया। इस तरह का यहाँ बहुत काफ़ी सारे मुलाजिम आ गए, और अभी हमारे एसपी मेवात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर 2-3 हमें इंस्पेक्टर ऐसे मिले हैं इंचार्ज थानों के हैं हमारे पुनहाना से लेकर पिनंगवा से लेकर, क्या वो अगर एसपी साहब उनको आदेश कर दे, वो चंद दिनों में इन लोगों से मिल के संपर्क कर इन लोगों को खात्मा कर सकते हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी तरीक़ा से डर घुसा पड़ा। एक कोरोना का डर है, दूसरा लुटेरे का डर है, कि जो अनाज बेच के जा रहे हैं किसान, उनको भी अपनी खतरा है, मोबाइलें छीन रहे हैं, बाइकें छिन जाती हैं, 1,000-2,000 रुपये छिन जाते हैं, जो सब्जी वगैरह पहुंचा रहे हैं गाँवों में, उनकी सब्जी के पैसे में लूट लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो मैं इस पर यही चाहता हूं कि इसमें जो कुछ जो इसमें जो बदमाश किस्म के जो लोग हैं, जो इनके लिए हथियार सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे बदमाशों के लिए, जिन पर कई बार हथियार सप्लाई का आरोप लग चुका है, जैसे विराटनगर में लगा है, कई जगह लगा, बदमाशों के कहने पर मुकदमा जो इनके खिलाफ मुद्दा उठाता है उसके खिलाफ तो कर देते हैं लूट का दर्ज झूठा, लेकिन बदमाशों के खिलाफ कभी ख़त्म नहीं हुआ प्रशासन से। इसमें मैं एसपी साहब से अपील करता हूँ कि इसमें इनसे अहमता से जांच से, और जो अफसर जो इस तरह का है उनके